हेलो एवरीवन, तुम्हें जाना होगा और इस औरत को यहाँ पैसों के साथ रुकना होगा। मैं अपने छोटे भाई को पहले देखना चाहता हूँ, वरना मैं पैसों के साथ चला जाऊँगा। मोजियान, क्या तुम मेरी लिमिट्स टेस्ट कर रहे हो? ये मेरे डैड्स के पैसे हैं, इसे ले लो। और मुझे मेरे भाई को वापस लेकर जाना होगा और ये मेरी ड्यूटी है। और कोको के लिए, वो मेरी लवर है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे हाफ ब्लडेड भाई के लिए ट्रेड करूँगा? प्रटेंड करना बंद करो मोजियान। तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। हाँ, अगर तुम अपने भाई को सीरियसली नहीं लोगे ना, तो तुम यहाँ खुद नहीं आते। इस औरत को छोड़ो और पैसों के साथ, वरना मैं तुम्हारे भाई का हाथ ना भी काट दूंगा। डिंग होनतोंग, आखिरकार तुम उससे चाहते क्या हूँ? उसने पता लगा लिया हम कौन है, अब हम क्या करेंगे? वह बहुत अच्छे से खेले तुम मोजियान। मैंने प्लान करा था कि मैं इसे पीछे छोड़ूंगा, बट अब मोजियान, जिस औरत की वजह से तुमने सेक्रीफाइस करा था ना मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसने तुम्हें धोखा दिया। अगर मैं तुम्हारा जगह होता ना, मैं अपने आप को तो मार देता। बिच, तुमसे बचना है ना, वो लास्ट चीज़ें मैं करूँगा। जीजियान ने शायद बैकअप के लिए कॉल कर लिया होगा। मुझे कुछ टाइम बचाना होगा और प्रटेंड करना होगा कि मैं एक इम्पॉर्टेंट चिप नहीं हूँ इस गेम के लिए। इवन थॉट, मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए एक एक्सीडेंट में। जो ओल्ड मैन है ना, वो उसके पास मतलब नज़र रखवा रहा है हम पे। इसके बारे में कैसा होगा? तुम मुझे मेरा भाई दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। ये कहते हैं कि दो भाई हैं ना, एक दूसरे से घुलने में आते हैं। ऐसा लगता है जो अफवाह है ना, वो सच है। डैम, बकवास बंद करो और पैसे हमें इधर दो। हे, ये डिंग है। और जो पैसों के लिए अकाउंट में, जो मैंने तुमसे बोला था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ट्रांसफ़र करो उसे दूसरे अकाउंट में। क्या मुझे 3 घंटे वेट करना पड़ेगा? इसे अभी करो, चाहे कितनी भी हाई सर्विस फ़ी क्यों ना हो। अब हम और धीरे नहीं कर सकते अभी। फुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे ट्रिक्स खेलने की? आह, मेरी आँखें, जल्दी से मेरी रस्सी खोलो। बास्टर्ड, बॉस, उन्हें पकड़ो। जीशुआन, संभल के। जीशुआन, मैं ठीक हूँ। यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ पे एक स्नाइपर है, जल्दी करो। डैम इट, रुको, वहीं पर रुको। हाँ, बैकअप आ चुका है। तुम कैसे फील कर रहे हो? क्या तुम चोट लगी है? क्या जीशुआन, क्या तुम इंजर्ड हो? मुझे डराओ मत जीशुआन। तुम्हारी आवाज़ है ना, मुझे वापस मौत से ले आई। ये फनी नहीं है। जीशुआन को चोट लगी है, उसे गोली लगी है और वो खून निकल रहा है। जीशुआन, और अगले दिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये औरत, इसका ये से भी पंगा चल रहा है और अब जीशुआन के साथ भी। मैं उसकी फ्रेंड हूँ। वो शायद तुमसे ऐसी बात करिए। कोको, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रखते और उसके साथ ब्रेकअप कर लो? वो ना पूरी ज़िंदगी भर डरा रहेगा। इवेल, इसके बारे में कैसा सोचोगी? क्या इस तरह से प्राइवेट में बात करता है? कितना चाइल्डिश है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जीजिन, ओह तुम जग गए। ये जीजिन कभी कभार स्माइल करता है, बट जिस इतने भी स्माइल है ना, वो तुम्हारे लिए है। ये बहुत इंप्रेसिव है कोको। जीजिन की सर्जरी है ना, वो अभी फिनिश हो चुकी होगी। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, हम अब जाने वाले हैं। जब मैं उस शेपी वेयर हाउस में था ना, मैं अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। अगर मैं मर जाता, क्या तुम मेरे लिए रोती? जीजिन, ये सारे मेरी वजह से हैं। हम कभी भी इतनी डेंजरस जगह नहीं जाएंगे दोबारा। क्या तुम्हारा मतलब है कि हम एक साथ हो सकते हैं कोको? क्या तुम एग्री करें मुझे शादी करने के लिए? ये मेरा मतलब नहीं है। इसने ऑलमोस्ट इसकी लाइफ सेक्रीफाइस कर ली थी मुझे बचाने के लिए। मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, बट मैं इसके लिए शादी नहीं कर सकती। ये ठीक है कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती। कैसा होगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो पहले? नहीं, अगर तुम मुझे मना कर दोगी। मैं ना वो सारी फ़ोटो जो हमें होटल गए थे ना एक साथ, वो मीडिया को भेज दूँगा। ये इतनी टैक्टिकल मेथड यूज़ कर रहा है मुझे मनाने के लिए। वो अथेटिक है कि मेरा तो लग यार ख़त्म है बिल्कुल। मैं 3 तक काउंट करूँगा। अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं अपने असिस्टेंट से कहता हूँ कि मैं मीडिया पे भेज दें। 1 2 ओके फाइन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूँगी। अगर अफवाह फैल गई ना, तो मेरी स्कूल लाइफ को अफेक्ट करेगी। अब तुम बातें कर रही हो, चुपिट और जीशुआन। जीशुआन ने ना ओरिजिनल लेते ना, पहले डिस्ट्रॉय कर देते। मेरे पास कोई भी कॉपीज नहीं है। जीशुआन, जो डॉक्टर है ना तुम्हें चेक करने के लिए आए, हम ना बाद में वापस आएंगे। ओह, करते रहो, अभी खड़े हो जाओ, उन्हें इंतज़ार करने दो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना अभी ऐसे रहना चाहता हूँ। आह, पावरेंट।
कुछ दिनों बाद। जी शॉन, क्या तुम अजीजन से मिलने आए हो? तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? हाँ मिन जी के जीजन ने तुम्हें सीक्रेटली इन दिनों विजिट कर रहा था। वो तुम्हारे बारे में बहुत केयर करता है, मैं जानता हूँ। फिर तुम चीज़ें ना हमारे बीच में बेटर है, और अब मैं जा रहा हूँ। जी जान, तुम्हारी चोट कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे बारे में याद क्या? क्या तुम्हें कहीं दर्द फील हो रहा है? अगर रो को पता लग गया ना कि तुम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से घुल मिल चाहते हो तो वो बहुत खुश होगी इसके बारे में। जी जान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना बहुत अच्छी है, मैं शोर हूँ कि मोम एंड डैडी से पसंद करेंगे। जब मैं जीजन के घर गई थी ना, इसके पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ट्रीट करा कि मैं उनमें से एक हूँ। बट मैं क्या मैं क्वालिफाइड हूँ उनकी फैमिली का मेंबर बनने के लिए? अगर उन्हें पता लग गया मेरे और मेमी के बीच का रिलेशनशिप, मुझे चिंता हो रही है। कोको, तुम वापस आ गई, तुम इन दिनों कहाँ थी? तुम्हारा फ़ोन ना स्विच ऑफ था, क्या तुम जीजन के साथ सीक्रेटली गई थी? मैंने अपना फ़ोन खो दिया था अभी, और मैंने जीजन के साथ रह रही थी। मैंने अब प्लान करी कि मैं अपॉइंटमेंट करूँ नेंगजोंग लाइन के साथ और बेमिंग शिन के साथ, और प्रेसिडेंट के लिए जो इंसिडेंट था ना, उसकी जीजन किडनैप हुआ है उसे पब्लिक नहीं करा गया, और मैं बैठा ना किसे ना बताऊँ। जब तुम यहाँ नहीं थी ना, शैन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता था, मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाई। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थी। वो बहुत ग्लैड होगा अगर तुम यहाँ ही सेटल डाउन कर लेती हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट रेडी करती हूँ, शिक्षा फ्लैश ड्राइव लेना बाद में। ओके, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे धोखा देने की जीजन के साथ? क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? भूल जाओ इसके बारे में। कोको, नहीं को क्यों? क्या तुमने बुरा सपना देखा? हाँ बुरा सपने है ना, वो रियलिटी नहीं होती, तो डरो मत। क्या मैं कभी भी इन सारी चोटों से बच पाऊँगी जो बेमिंगे ने मुझे दी हैं? ओह ये तुम हो क्या? ओके मैं उसे बता देती हूँ नीचे जाने के लिए। कोको, कोई तुम्हारे नीचे इंतज़ार कर रहा है। जीजन, गुड मॉर्निंग। वो हमेशा ही मेरे पास आता है जब मैं अपसेट होती हूँ, बट मैं इसे मेरे साथ हमेशा नीचे नहीं होने दे सकती। जीजन, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? बेमिंग ने क्या तुम्हारे साथ कुछ करा है? बट कोको, तुम्हारे पास मैं अब हूँ, तुम्हें अब डर में जीने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ पर चलते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। ये मेरी मदद कर रहा है ताकि मैं अपना जो मेंटल ऑब्स्टिकल है ना वो ओवरकम कर पाऊँ। और इमोशनल बोलना ठीक है, बट रो मत। तुम्हें एम्पायर गार्डन जाना है बाद में, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट है ना लाइक से साइन कर पाऊँ। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मैंने तो अभी अपॉइंटमेंट का टाइम भी सेट नहीं करा है। मैंने उन्हें कॉल करा था जब मैं यहाँ पर आ रहा था। मैंने बुक कराया 10 बजे के लिए। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ना इतनी अच्छी चीज़ करी है कि यहाँ पर कुछ किसी तरह का रिवॉर्ड होना चाहिए। ओह मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम अभी मुझे मना कर रही हो? मैं कब रिस्पॉन्स ले पाऊँगा तुमसे किटन? नेवर माइंड। बाय द वे, मैंने तुम्हारी आईडीज है ना कुछ दिनों में लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारा पर्स तो चला गया। इस कार्ड को यूज़ करना अगर तुम्हें कुछ ख़रीदना हो तो। नहीं मेरे पास, ये सही होता है अपने बॉयफ्रेंड के पैसे स्पेंड करना। अगर तुम मना कर देती हो ना इन पैसों को इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं कैसे तुम्हें बिलियंस डॉलर दूंगा? थैंक यू, मुझे इसे पे करना होगा जब बेमिंग एक कर्ज है ना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने कल प्रिपेयर करा था, प्लीज़ देख लीजिए और मुझे बता दीजिए अगर यहाँ पे कुछ है जो मुझे इसमें ऐड करना चाहिए। लकली हमने मूवी कॉरपोरेशन पिकनिक करी थी, क्योंकि जो रिलेशनशिप है मेरे सीजन के बीच में, ये इतनी शांत रह सकती है ये जानते हुए कि इसकी आइडेंटिटी सीजन की गर्लफ्रेंड के होना थे। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रेट चीज़ें करेगी फ्यूचर में। वेल, ये जो प्रोसेस है ना इसे ठीक करना चाहिए। जो शूटिंग है ना वो 1 साल के अंदर स्टार्ट होगी। ओके, मैं भी ठीक कर देती हूँ। शूट, यहाँ पे कोई भी दूसरा लैपटॉप नहीं है बेमिंग शन के, बट ये तो मिनिस्टर फाइनेंस है। ऐसी स्टूपिड मिस्टेक दोबारा मत करना, याद रखना कि तुम नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँ, यहाँ पे एक न्यू लैपटॉप लेकर आऊँ। ओके मिस्टर, तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के नेक्स्ट लाइन एक ट्रिकी इंसान है। मैं जानती हूँ, मैं एक रास्ता ढूंढ लूँगी उसे बनाने का। क्या यहाँ डोंगलिंग में है? मैंने एक लिमिटेड एडिशन बारबी हेयरपिन देखी थी जो उसने मुझे पहले मेंशन करी थी। अगर वो अभी भी डोंगलिंग में है तो क्या मैं उसे एक ला सकती हूँ? तुमने उसे क्यों नहीं खरीदा जब तुमने देखा था? मुझे डर था कि मैं लेट हो जाऊँगी अपॉइंटमेंट के लिए मिस्टर नांगडोंग के लिए, तो मैं यहाँ पहले आ गई। मैं बाद में जाऊँगी उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ख़रीदने के लिए। ओह ये चालाक है, याया को नहीं हेयरपिन बहुत पसंद है। आई विश कि बिकी ना हो मेरे वहाँ पहुँचने से। नेंग जो मैंने साइन भी कर दिया।
मैंने साइन कर दिया, अब तुम जाके ख़रीद सकती हो। ये लड़की मेरी वीकनेस के बारे में जानती है, अगर वो हेयर पिन यहाँ चाहती है तो। मैं अभी जा रही हूँ, मैं जल्दी वापस आऊँगी। वेल, मैं ना तुम पे भरोसा कर रही हूँ ताकि तुम स्टोरी को बैकअप कर सको। तुम मेरी फिर से एडवांटेज ले रहे हो। गुड कल यार, एक बार मैं फ्री हो जाऊँगी ना, मैं तुम्हें मज़े के लिए बाहर लेकर चलूँगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बेमिंग शून है ना इतने जल्दी ये जॉब कंप्लीट कर देगा, बट मेरा वर्क डेस्क है ना बहुत क्लोज है बेमिंग ये के ऑफिस में। क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? ओह, तुमने बहुत जल्दी फिनिश कर लिया। क्या मैंने कुछ गलत कराया? प्लीज़ मुझे बता दीजिए और मैं अभी करेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे कोई दूसरे मिस्टेक्स नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कुछ टिप्स इस वर्क प्लेस में सर्वाइव करने के लिए। सब एम्प्लॉयर्स को ना, हर एम्प्लॉयर चाहते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हो ना कुछ ज़्यादा स्टैंड ना करें। एक स्पोर्टिंग एम्प्लॉय है ना, वो हर 30-40 मिनट स्पेंड करेगा इस पर, बट तुमने सिर्फ 20 मिनट ही इस पर स्पेंड करी है। अगर तुम ऐसे ही फ्यूचर में काम करती रहे ना तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँगा। थोड़ा सा ना अपने लिए बचा लो इस वर्क प्लेस में, बट मैं चाहता हूँ कि तुम हार्ड वर्क करो जैसे तुम मेरे लिए करते हो। मैं समझ गई, प्लीज़ मुझे बता दीजिए अगर मैंने कुछ गलत करा हो, अगर मैंने अच्छा काम करा हो तब भी। इतनी अरेगंट मत बनो, तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। देन मैं अभी जाती हूँ, सी यू टमोरो। शानियन है उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसी मुसीबत खड़ी करने के लिए, और जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस है ना वो डिटरमाइंड है, मतलब एम्पायर ग्रुपों से करेगा। एक एक्ट्रेस चैंग फेफेन की तरह उसके बाद बहुत अच्छा चांस होगा ना दूसरों से इस रोल के लिए कम्पीट करने के लिए। हम ना बिजी होने वाले हैं इन आने वाले महीनों में। मैं ना ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना चाहूँगा इन केस अगर मुझे ड्राइव करना पड़े तो। वाओ, एलिगेंट पर्पल, ये तो लिमिटेड एडिशन है। क्या प्रेजेंट है जो म्यूजियम ने प्रिपेयर करा है? यस, मैंने अपना पहला वाला मेरा खो गया, उसने मुझे न्यू फोन दिया है और सिम कार्ड काम के लिए। हो जीजन, क्या मैं तुम्हें नहीं बोला नहीं था कि तुम मुझे कॉल मत करना आज? तुम कैसे हो? क्या तुम थक चुके हो? कोको, ये कौन है? शंकटैंग, मेरे पास कुछ बिजनेस है करने के लिए, मैं जा रही हूँ। मिस्टर बेमिंग, ये वापस आ गया। मैं तुम्हारे स्कूल के बैकडोर इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ 5 मिनट के अंदर। अंदर आऊँ? मैंने आपको बता दिया मिस्टर बेमिंग, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना चाहती हूँ और मैं कल आपको पैसे वापस पे कर दूँगी। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना अभी भी एक्सेप्ट करता है जब तक पैसे अब ट्रांसफ़र ना हुए मेरे अकाउंट में। तुम्हारा जो नॉन कंप्लेंस है ना अब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है। मैं अंदर नहीं आऊँगी, चलो बाहर ही बात करते हैं। हाँ, डोर को खोलो, मुझे बाहर आने दो, मुझे मदद चाहिए, मुझे चाहिए कि जो मेरी मदद करें। ये फ़ोन बहुत सॉलिड लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये पीसेस के अंदर इसे स्मैश कर सकता हूँ। बेमिंग, ये बंद करो, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अभी भी है, तुम नतीजा जानते हो मेरे को मेरा दिमाग ख़राब करने का। मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा और मुझे तुम्हें हक करने दो, देखने दो कि तुमने कोई वजन करा है नहीं करा। मुझे स्कूल वापस जाना है, बट ये तुम्हारा समर वेकेशन है अभी, मेरे पास काम है करने के लिए, बट ये काम का टाइम नहीं है अभी। बेमिंग, ये तुम रिडिकुलस बन रहे हो, तुम बहुत बोल्डर नहीं बन रही म्यूजियम के साथ इंद्रो रहने के बाद? और या फिर तुम अपने रियल साइड दिखा रही हो? तुम्हारी जो वीकनेस थी वो सब फेक थी है ना? हटो यहाँ से, मैंने कहा कि मैं तुम्हें वापस पे कर दूँगी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, जाओ यहाँ से। जब तुम म्यूजियम के साथ थी क्या तुमने उसे ऐसा रेजिस्ट करा? मेरी औरत मेरी फ्रेंड के साथ चक्कर चला रही है, अगर तुम मैं होती ना तो तुम क्या करती? मैं तुम्हारी औरत नहीं हूँ। वाल, जो रिलेशनशिप है तुम्हारे और मेरे बीच में, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी कहती हो कि तुम मेरी औरत नहीं हो? तुमने मुझे फोर्स करा था, मैं कभी भी एग्री नहीं हुई थी तुम्हारी औरत बनने के लिए। तुम म्यूजियम की तरफ चली गई जब तुम मेरी तरफ गुस्सा कर रही थी, क्या वो तुम्हारी तरफ अच्छा है कि उसने तुम्हें टच कराया जैसा मैं करता हूँ? मिस्टर बेमिंग, प्लीज़ मुझे जान दीजिए, उन्होंने जब तक मैं उसे बता दूँ कि मैं सीजन पसंद करता हूँ करती हूँ तो वो मुझे जाने देगा, बट मैं इसे बोल क्यों नहीं पा रही? क्या तुम उसे पसंद करती हो? क्या तुम उसके गर्लफ्रेंड हो? हाँ। ये खुश नहीं है क्योंकि उसके टॉय को ना दूसरों ने टच करा है। मिस्टर बेमिंग, मैं आपको वापस पे कर दूँगी, प्लीज़ हमें ना परेशान मत करिए। जीजी ने मुझे बताया कि वो जो फ्रेंडशिप है ना आपके साथ की ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ कि तुम मेरी और उसके बीच की फ्रेंडशिप ख़त्म ख़राब कर दो। आप मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं तो मुझे जाने दो।
मैं तुम्हें आज टच नहीं करूँगा, तो मुझे परेशान करना बंद करो। अगर ऐसा कहता है तो मैं आज सेफ रहूँगी, है ना? तो फिर ये मुझे एम्पायर गार्डन वापस क्यों लेकर जा रहा है? ये तुम वापस आ गए क्या? इसका इंतज़ार कर रहे थे क्या बेमी? ये उन्हें मेरे पास इमिजिएटली आया था उसके प्लेन से उतरने के बाद। ये यहाँ क्या कर रही है? ये तुम्हारे साथ भी आ गई? ये औरत हर जगह जाती है। एम्पायर गार्डन आना बंद करो, तुम ऑलरेडी मुझे उनके साथ हो, तो तुम हर आदमी के साथ क्यों चक्कर चला रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस दादा, मिस्टर बेमिंग ये खुद मिस विंजी को यहाँ लेकर आए, तो प्लीज़ उससे फाइट मत करिए। दादा ऐसा पंगा करना बंद करो, वो अभी भी उसे जान छोड़ना इसे मना कर रहा है। थोड़ा वो रिलेशनशिप जानता है मिंजी के और जीजन के बारे में, ये प्रटेंड कर रहा है, और या फिर इसके पास कुछ फीलिंग्स हैं उसके लिए। ये कभी भी असिस्टेंट लेता खाने के लिए, बट अब ऐसा लगता है कि वो ऐसा करते रहे। क्या तुम थक चुके इतनी लंबी जर्नी के बाद? क्या तुम्हें मसाज चाहिए? कोको मुझे मसाज करो। वेल ये बहुत रेलोकेंट है ये को बात मानने के लिए, बट उनके रिलेशनशिप आखिरकार है क्या? बिजनेस कैसा था? हाँ स्मूथली था, थोड़ा हार्ड ट्राई करो। मुझे लगा था कि मैं उसे हार्ड कर दूँगी अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही हार्ड पुश करा, तो मैं थोड़ा और हार्डर ट्राई कर सकती हूँ। ये लड़की है ना, हर समय अपनी लिमिट है ना पुश करती है, और जब भी मैं इसे कुछ करने के लिए कहता हूँ ये ओवर बोल्डर होती गई है। मुझे जाने दो, तुमने कहा था कि तुम आज तक मुझे टच नहीं करोगे। लगता है तुमने एक हैबिट सी बना ली है मुझे मना करने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर बेमिंग है, तुम अपने वर्ड्स को निगल नहीं सकती? ये बास्टर्ड, ये मुझे ना अपने माइंड में अभी गाली दे रही होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है पहले से ज़्यादा। ये इसे फोर्स कर रहे हैं क्या? इसके विल की वजह से नहीं था, और ये इसे इतना इन्जॉय कर रहा है क्या? भूल गया कि फीफेंग उसके बारे में केयर करती है? क्या मैंने तुम्हें बोला था कि मैं जो मैंने कहा है ना मैं वापस ले सकता हूँ जब भी मैं चाहूँ? उत्तरी की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हिट कर सकती हो? बेमिंग है, ज़्यादा आगे मत करो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें पे कर दूँगी और ये स्टूपिड एग्रीमेंट एंड करूँगी, जब तक नहीं जब तक पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आ जाता। मैं सही हूँ, ये जान बुझ के कर रहे फेफियन, वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे कुछ टाइम दो, वो उसके फादर को ऑफेंड नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ। मुझे इसके माइंड के बारे में केयर नहीं करनी, बट वो ऑलरेडी इतने इंटीमेट रिलेशनशिप में है। मैं उसका इंतज़ार कर सकती हूँ जब तक ये लगे। मैं जानती हूँ इनिशियली मुझे एक दिन एक्सेप्ट कर लेगा। फेफियन एक परफेक्ट औरत है, तो इसे ये जैसे के लिए क्यों इंतज़ार करना पड़ रहा है फिर से? क्या तुम अभी भी मुझसे डर रही हो? ओह तुम, मुझे लगा था कि तुम मुझसे डरती नहीं हो अब जब से तुम जीजन के मुझे इनके साथ हुई हो। तुम एक लिटिल वाइट रैबिट की तरह हो, तुम ना एक लिटिल वाइट रैबिट की तरह हो जो अडोरेबल दिखता है। मुझे टच मत करो। उसके गर्लफ्रेंड बनने के अलावा तुमने क्या करा है? कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ एग्री हुई हूँ उसके गर्लफ्रेंड बनने के लिए। हम एक रिलेशनशिप में, तो एक दिन हम, मैंने सुना था कि अगर एक आदमी एक औरत को कभी किस नहीं करता तो उसे वो प्यार नहीं करता, ये मेरे साथ सेक्स करता है बट बिना किसिंग के, तो इस ये मुझसे प्यार नहीं करता, बट ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा फिर? यहाँ पे इतने सारे लड़के हैं जो आपकी अटेंशन चाहती हैं, तो तुम्हें मुझे अपने साइड क्यों रखना है? शायद इसकी वजह से, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। वो तेरी की, ये तो इनकी फर्स्ट किस होगी, इसने मुझे भी किस करा। हेलो एवरीवन, ये वाला ट्रांसलेशन यहाँ तक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यार प्यार कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।